यो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस व्लॉग्स। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो अभी एक दिन से व्लॉग नहीं आया, और इसलिए नहीं आया बिकॉज आस्था शूट पे गई हुई है, और वो वहाँ से व्लॉग यहाँ पे मतलब ऐसे जो क्लिप्स है वो भेज नहीं पा रही है, थोड़ा सा इशू हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का इशू हो रहा है। तो फिर मम्मी ने कहा कि अगर वो आज भी ना भेज पाए तो तू तो व्लॉग कर ले ताकि तेरा तो अपलोड हो जाए। मैंने कहा हाँ वो भी सही है, तो इस करके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और आज हम लोग शायद मिल भी रहे हैं, वो काफ़ी टाइम बाद आ रही है घर पे, मतलब वो काफ़ी टाइम बाद नहीं आ रही, मैं काफ़ी टाइम बाद आया था, लेकिन हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। ये भाई साहब क्या बोला मैंने, तो अभी मेरे को हसल भी जाना है, तो उसके लिए पहले मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद निकलते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ना एक कबूतर ने ना घोंसला सा बना लिया, और वो बैठा, वो जब भी मैं ऊपर आता हूँ ना उसे उड़ के वहाँ पर जाके बैठ जाता है, कहीं ऐसी जगह जहाँ से मैं उसको दिखूँ, मेरे निकलते ही वापस आ जाता है। और अभी मैं यहाँ ऊपर अपना ये लेने आया था बिकॉज मेरे को आज शूट करना है उसमें। अरे यार ये मैंने बांध दिया था ताकि गिरे ना, वो क्लिप्स मेरे को मिल नहीं रही थी। चलो ओ भाई इतने सारे हैं, कौन होगा, तू ही है ना, आजा आजा, कुछ नहीं कह रहा मैं, बस डरा देता है जब भी आता है। आ गया हूँ मैं हसन। कैसे हो? अभी अंदर आया था चेंज करने, मतलब चेंज नहीं, ऊपर मैंने सिर्फ ये शर्ट शर्ट उतार दी है, मतलब बाहर ईदी आई है, उसका कल बर्थडे है, तो वो कह रही थी शूट करना है एक साथ में, मैंने कहा हाँ कर लेंगे। तो इस करके यार मैं, यार मेरे को कपड़े चाहिए यार, कृपा करके व्यूज दे दो यार, थोड़े से पैसे आ जाएंगे ब्रो। हम रोते ही रहते हैं ना, मैं और आस्था दोनों के दोनों रोते रहते हैं, बस पैसे दे दो पैसे दे दो। हेलो रिद्धि अरोरा, आपका कल बर्थडे है, कैसा लग रहा है? नकली नहीं, मैं रिद्धि अरोरा अरोरा। बाय बाय तू कर। हाँ बाय कर तो रहा हूँ, रिद्धि जा रही है, रिद्धि का कल बर्थडे है, रिद्धि पार्टी देगी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को? अच्छा मेरे को नहीं देती, अच्छा। हेलो भैया हसल जोनर, इसको क्या तुम है गिफ्ट? आपको भी देना है इसको, ये सबको बोल रही है गिफ्ट, इनको भी बोल रही रिद्धियों को। हाँ इकट्ठे, इतना पता क्या देंगे, लकड़े लकड़े का डंडा दे दे, पेड़ काट के दे दे, क्या चाहिए क्या। हाँ जी गाइस मैं घर पे आ गया हूँ, और मेरे हाथ में है ये, और मेरे साथ में है ये दो कुत्ते। हम लोग कम से कम साल लो, एक मिनट फोटो खींच, हम कम से कम सालों बाद मिल रहे हैं। ओए देख हेलो बोल दे गाइस को। तो मैं वापस से संदीप भैया के साथ आया हूँ, मतलब भाई हमें ना हासिल जाना था, एकदम से फिर से भैया का फोन आया, कहते चल, मैंने कहा हाँ चलो भाई। तो इस करके अभी हम लोग हासिल जा रहे हैं, और मेरे को एक कुरियर भी लेना है वहाँ से, हसल हसल में रस्ते में पड़ता है कुरियर वाली शॉप, तो वहाँ से कुरियर लेंगे, उसके बाद फिर हसल हम 6 बजे के बाद जा रहे हैं, जो कि इल्लीगल है। ऐसा कुछ नहीं यार, सब कुछ देख, सब लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज हमने पीछे वाली शॉप से कुरियर भी ले लिया है, हम इसमें हैं। एक्चुअली ना हमने माइक ऑर्डर किया था एक, कहाँ पे है नीचे अंदर पड़ा, हाँ माइक ऑर्डर किया था एक, वो क्या हुआ कि ना हमें अब चैलेंजेस वगैरह करने हैं ना, तो उसके लिए माइक नहीं है हमारे पास, सो ये रहा मतलब। और इस हम लोग हमेशा मंगवाते हैं बोया का, जो मतलब थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। इस बार मेरे दोस्त ने कहा कि एक ना थोड़ा सा सस्ता होता है, थोड़ा सा आप लोग को चाहिए होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो थोड़ा सस्ता भी है और लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा हाँ मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे क्वालिटी चाहिए इस करके। तो अभी मैं खोल के देखता हूँ, चेक करते हैं क्वालिटी, फ्लिपकार्ट से मंगवाया। भैया कैमरा पकड़ना, खोल कर तेरी तरफ, हाँ एक इसका कवर दे दियो, सीचो तेरे बाप ने तो देखी सुनी चिकित्सा में मिशन क्या करते हैं, हाँ मिशन ले ले, गोंजे गोंजे पोने गोंजे कोने काने 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 पाने कोंजे।
अब तो सो मैं अभी घर पे आया था और मम्मी और पापा और जागरण में जा रहे हैं। पहले मैं भी सोच रहा था जाने के, लेकिन पापा ने कहा तुम घर पे खाने पीने का मंगवा लो, ऐसे काफ़ी दिन बाद आई है। तो मैं मम्मी और पापा निकल रहे हैं और यहाँ पे मैं हीटर के पास बैठा हुआ था और मेरा पीछे से पूरा स्वेटशर्ट जब गर्म हो गया, इतना ज़्यादा गर्म हो गया ना। टाइम जोमेटो से। अच्छा ये भैया आप चोपड़ा डायरी वाली साइड से आए हो? तो मैं अभी जा रहा हूँ ऑर्डर लेने और मैं शादी कोड नहीं करूंगा यार, वरना हमेशा बोल देते हैं कुछ ना कुछ। कहाँ है भाई वगैरह? ओके सो मैं ले आया हूँ, अब चलते हैं खाएंगे और फिर ना मेरे को बस थोड़ी देर आज रेस्ट करना है और थोड़ा सा कंबल में बैठना है, क्योंकि मैं सुबह से उठा, थोड़ा सा मतलब रेस्ट किया, थोड़ा सा डांस किया, फिर मैं हॉस्टल चला गया, वापस आया, फिर हॉस्टल चला गया और अभी आया था थोड़ी देर पहले, फिर बस अब ये वाला पंगा और ऐसे ही बैठे हुए थे कंबल में बैठने, थोड़ी देर ना रेस्ट करेंगे खाते पीते हुए। आस्था हमें डांस करके दिखा रही थी, कहती पापा जी देखना मैं अच्छा कर रही हूँ या शिवांश अच्छा कर रहा है। 5 दिन में आई बन के डांसर लगा वो उसमें पैर डरासे में सूझ गया हाँ लगा जोर के था वैसे, बस रोने वाली ही है तो अगर अकेली होती तो अभी तक आंसू आ जाते तेरी आंखों में से, तेरी हंसी से लग रहा है। एक तो सॉक्स पहन के डांस किया अगर कभी तेरे पैर दिखाने पड़ जाते हैं। ओए बेटा कॉफी दे दो।